अब हम आपको पनीर सैंडविच बनाना बता रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा बटर डालेंगे कढ़ाई में, थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे, और थोड़ा सा प्याज डालेंगे। ये बहुत इजी रेसिपी है, कभी भी घर पे हो और ब्रेकफास्ट के लिए क्या बनाएं तो ये सबसे उत्तम और झटपट रेसिपी है। और सैंडविच किसी भी तरह का हो, घर में बच्चे हो या बड़े हो, सब पसंद करते हैं। प्याज को हल्का सा लाल होने देंगे, उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। प्याज लाल होने के बाद और इसको थोड़ा सा भूनेंगे, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा टमाटर डालेंगे। घर में अगर आपके पनीर ना हो तो आप सिरका से एक ग्लास दूध का अगर फाड़ लेती हैं, पनीर बना लेती हैं, तो उससे भी बन जाएगा, क्योंकि इसमें क्रस्ट पनीर ही देना है और आराम से बनता भी है ये। टमाटर थोड़ा नरम पड़ने लगा है तो अब हम उसमें डालेंगे क्रस्ट पनीर। में हमने प्रेस पनीर मिला दिया, अब इसको अच्छे से भूनेंगे। थोड़ी देर में इस पनीर का पानी सूख जाएगा, तब हम इसको ब्रेड में ऐड करेंगे। अब इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती मिलाएंगे, या कैसे भी सॉस से, फिर नहीं तो आम पुदीने की चटनी के साथ कैसे भी खाएंगे। ये खाने में बहुत मज़ेदार लगता है, इवनिंग स्नैक्स या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट दोनों समय में आप इसे बना सकती हैं, और सब इसे पसंद भी करते हैं, और इसमें मेहनत भी ज़्यादा नहीं है। अब ये पनीर का पानी सूख गया है, ये ब्रेड में डालने को रेडी है। इसको आप तवे पे भी बना सकती हैं, ग्रिल भी कर सकती हैं, या फिर आपको जैसी इच्छा हो, या फिर तंदूर में भी डाल सकती हैं, उसमें बहुत क्रिस्पी हो जाता है तंदूर में डालने से। अब हम गैस ऑफ करते हैं क्योंकि ये पूरा बन गया है। अब इसे हम पील करना बताते हैं आपको। पनीर सैंडविच के लिए हमने वाइट ब्रेड लिया, और इसको दो लेयर का सैंडविच बनाना आपको बता रहे हैं। उसमें तीन ब्रेड यूज होता है दो लेयर सैंडविच में। सबसे पहले हम इसमें उसके सैंडविच ब्रेड के ऊपर अच्छे से चारों तरफ घी लगाएंगे। आप चाहे तो बटर भी लगा सकती हैं, लेकिन हम इसमें घी लगा रहे हैं। सब ब्रेड पे बारी बारी से घी लगा लेना है। उसके बाद हम फिर इसको इसमें पनीर ऐड करेंगे। ये टू लेयर पनीर सैंडविच बनाना है तो उसके लिए हमें तीन ब्रेड की ज़रूरत है। सभी में हमने ये घी लगा लिया है दोनों तरफ से। अब हम इसमें एक ब्रेड पे ये पनीर का जो मसाला हमने बनाया है वो एक ब्रेड पे मिला रखेंगे, फिर उसके बाद हम इसको दूसरा ब्रेड रखेंगे इस पे, फिर रखेंगे ऐसे, और इसको सैंडविच मेकर में बनाएंगे ताकि ये सैंडविच मेकर में बहुत अच्छे से ये दब के अच्छा बनेगा। फर्स्ट लेयर लगाए, फिर ये सेकंड लेयर लगाए। अब हम इसमें चीज डालेंगे, आप चाहे तो फर्स्ट लेयर में भी चीज डाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चीज को क्रश करके हम इस ब्रेड पर डालेंगे। अब इस पे हम चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के, आप चीज क्यूब्स होगा तो आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, और नहीं तो चीज को काट के डाल सकते हैं। और इसको उसके बाद हम ऊपर से एक ब्रेड डालते हैं। अब इसको सैंडविच मेकर में काफ़ी अच्छे से दबा के बेक करना है ताकि ये अच्छे से बेक हो जाए।
ये 3 लेयर पनीर सैंडविच रेडी है सर्व करने के लिए। आप इसको आम और पुदीने की चटनी और चिली सॉस टोमेटो सॉस के साथ खा सकती हैं। आप इसको जरूर ट्राई करें घर में बनाने का, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताएं कि आपको मेरा ये रेसिपी कैसा लगा।